श्री 1008 अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर अंक लिखकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के रजत वर्षा योग 2021 में उन्हीं के पावन सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार संपन्न होगा। दीक्षा समय प्रातः 8 से 11 बजे। स्थान अंधेश्वर पार्श्वनाथ। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों अधिक से अधिक इस मांगलिक वैराग्य की पवित्र घड़ी में उपस्थित होकर दीक्षा की अनुमोदना कर अक्षुण्य पुण्यार्जन करें। निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन बीसपंथी समाज कुशलगढ़। आयोजक श्री अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी अंधेश्वर पार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। शासन और प्रशासन पर विरोधी राजनीतिक दल आमजन की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर घेराव कर रही है। इसी की एक बानगी राजस्थान के नागौर जिले में देखने को मिली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल नागौर जिले के खिवसर विधानसभा क्षेत्र में स्थित भावड़ा पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे। सांसद बेनीवाल ने दिवंगत सुनील उर्फ सोनू ताड़ा की पार्थिव देह पर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। सांसद बेनीवाल ने सरकार और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैये के परिणाम स्वरूप सुनील ताड़ा को अगवा कर उसे जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला किया और सुनसान जगह पर उसको फेंक दिया। हनुमान बेनीवाल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा है। वही उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नाकामी के कारण क्षेत्र में अराजकता का माहौल बना हुआ है। गंभीर मामले में पुलिस के द्वारा मामला धारा 308 में दर्ज किया गया, जबकि धारा 307 में मामला दर्ज होना था। वहीं उक्त घटना होने के बाद भी थानाधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल, RLP के जिला संयोजक हनुमान प्रधान रेवंत राम डांगा, श्रवण मेघवाल, MP के प्रदेश मंत्री अनिल बारूपाल, राम सिंह बंगाड़िया, मानकपुर गणेश राम सहित ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। तो ये काम कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उनको भी 120 बी के अंदर मुलजिम बनाया जाएगा। जो भी सत्या को अंजाम देने वाले थे, जो आरोपियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जो लोग थे उसके अंदर एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। हम बैठ के तय कर लेंगे, एक बार मुलजिमों की गिरफ्तारी हो जाए। अभी तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं होना चिंताजनक है। और 1 तारीख को घटना होती है और पुलिस थाने के अंदर अपराधी बैठ के बात करते हैं कि सुनील की मौत हुई या नहीं, मरा या नहीं मरा, बताओ। तो इससे बड़ा घटनाक्रम नहीं हो सकता। ये भी क्यों सर, मेरे इलाके के अंदर, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर मैं सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। समय रहते सरकार मुलजिमों की गिरफ्तारी करे और उनको यहाँ से पीटते हुए नागौर तक लेके जाए मुलजिमों को, तब जाके संदेश पूरे नागौर और राजस्थान के अंदर जाएगा। नहीं तो हम लोग यहाँ बैठे हैं और अगला कदम हमारा क्या होगा, हम बैठ के सब लोग तय कर लेंगे आगे आंदोलन किस दिशा में जाएगा। हमारी सारी मांगें जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक नहीं तो यहाँ उठेंगे नहीं हिलेंगे।